Hey everyone, welcome to the recipe studio. Today's recipe is the chocolate walnut brownie. इतनी amazing recipe है और ये super healthy होती है. बिना चीनी बिना मैदे के हम इस रेसिपी को बनाएंगे और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है. इसके लिए सबसे पहले हमें डेट्स लेने हैं. 20 से 25 डेट्स मैंने यहाँ पर ली हैं और इसको इस तरह से कट करके हम इसके सारे बीज हैं इसको निकाल देंगे. इसको इस तरह से इसको डिसीड कर लेंगे हम. आप कोई भी डेट्स ले सकते हैं. डेट्स बहुत हेल्दी होते हैं और ये सुपर फूड में आता है बच्चों के लिए बड़ों के लिए. अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी 1 कप के करीब हॉट मिल्क. इसको हमें 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सोक करेंगे और उसके बाद एक ब्लेंडिंग जार में डालकर इसको ये ऐसे प्यूरी बना लेंगे. इस तरह से मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी. उसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब मलाई ऐड कर रही हूँ घर की. 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1/2 कप ऑफ मिल्क. इसको अब हमें एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेना है. आप मलाई की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. 1/2 कप ऑफ चॉकलेट यूज़ करेंगे, मेल्टेड चॉकलेट है. इसको 1 मिनट के माइक्रोवेव करके इसमें ऐड कर देंगे. इसके बाद 1 कप आटा. वीट फ्लार यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, आप कोई भी फ्लार यूज़ कर सकते हैं. आप इसमें रागी ऐड कर सकते हैं. देर आर सो मैनी ऑप्शंस, यू कैन चूज़. तो इसमें हम 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे. 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है. इसको एक ग्रीस टिन में इसको बेक करने के लिए रख देंगे. 180 डिग्री पर हमें इसको 35 मिनट्स के लिए प्री हीट ओवन में बेक करना है. इसको थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे, इसको पूरा फिल नहीं करेंगे. आटे के कारण ना इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं फूलता है और डेट्स भी रहती है इसमें. एंड दिस केक इज़ सुपर हेल्दी. बस इसको हम वॉलनट और चॉको चिप्स से इसको गार्निश कर देंगे अच्छे से. देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ये. इस तरह से हमें इसको गार्निश कर देना है और इसको 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे हम. ये देखिए हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है. आप एक टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लीजिए. इसको ठंडा होने पर इसको डिमोल्ड कर लीजिए. ये देखिए बना है ना कितना सुपर स्पॉन्जी. इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ अभी. देखिए कितना सॉफ्ट है, इतने क्रैक्स आए हैं. इट मीन्स कि केक बहुत अच्छा बना है. एंड बिलीव मी, आप इस केक को खाने के बाद आप ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये बिना मैदा बिना चीनी का बना हुआ, इसमें मैंने डेट्स यूज़ किया है. तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है. एंड रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.